जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के खिलाफ रांची के कोतावली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यकारी सचिव डॉक्टर अविनाश नारायण के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 504, 505(1), 505(2) व आईटी एक्ट के धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। इधर आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड भर में सुदर्शन न्यूज और उसके प्रधान संपादक सुरेश चौहान के पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ साथ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पार्टी की ओर से आवाज बुलंद करने की बात कही है। दरअसल बीते 25 अगस्त को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्रेलर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि नौकरशाही यानी कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा 28 अगस्त को रात 8 बजे प्रसारित होने वाले शो बिंदास बोल में किया जाएगा। उनका कहना था कि नौकरशाही में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की नियुक्ति एक साजिश के तहत हो रही है। उन्होंने #UPSCjihad, #NaukarshahiJihad के इस्तेमाल के साथ साथ जामिया से पढ़कर सिविल सेवा की परीक्षा पास किए छात्रों को ट्रेलर में जामिया जिहादी कहकर संबोधित किया था। हालांकि ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चौतरफा आलोचना होने लगी थी। सबसे पहले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन IPS एसोसिएशन ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि गैर जिम्मेदाराना और सांप्रदायिक पत्रकारिता का वह विरोध करते हैं। इसके बाद बड़ी तादाद में IAS और IPS अधिकारियों ने इसका विरोध किया और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन ने भी एक बयान जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बारे में अवमानना का मामला दायर कराने का अनुरोध किया था। इस ट्रेलर को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसके तत्काल सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की एकलपीठ ने सुदर्शन न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुरेश जी सुदर्शन न्यूज के संपादक हैं। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से पूरे देश में उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो नफरत फैलाए। हाल में उन्होंने ये कही डाली कि UPSC में जो माइनॉरिटी समाज के जो बच्चे जो पास करके आ रहे हैं, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से जो UPSC के परीक्षा पास करके आ रहे हैं, IAS, IPS, IRS वगैरह में शामिल हो रहे हैं, ये एक UPSC जिहाद है, एक षड्यंत्र है। अब जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से 30 बच्चे जो है UPSC एग्जाम पास किए, उसमें से 16 जो थे अल्पसंख्यक समुदाय के थे और बाकी 14 हिंदू समाज के बच्चे थे। इसका मतलब है कि 14 हिंदू जिहादिस्ट हो गए और 16 मुसलमान जिहादिस्ट हो गए इनके मुताबिक। तो इस तरह के देश को तोड़ने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो चलाने वाले उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बहुत सख्त रवैया बनाई हुई है और इसलिए हम इनके खिलाफ जो है प्राथमिक FIR दर्ज करेंगे झारखंड में। और देश भर में ऐसे नफरत उगालने वालों के खिलाफ हम लोग हमेशा बुलंदी के साथ अपने आवाज उठाएंगे। अब झारखंड की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित पोड़ाहाट जंगल के गुदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले जुमतोई व तुजुर गांव के बीच पहाड़ियों पर शनिवार की सुबह चाईबासा पुलिस व CRPF जवानों के बीच PLFI उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। हालांकि सर्च ऑपरेशन में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने मुठभेड़ में PLFI के AK-47 सहित काफी संख्या में हथियार और सामान बरामद किए हैं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई उग्रवादियों का एरिया कमांडर दिनेश गोप व शनिचर सुरीन का दस्ता गुदरी थाना क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है। इसी सूचना के आलोक में शनिवार की सुबह चाईबासा पुलिस ने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के साथ मिलकर जोमतोई पहाड़ियों पर पीएलएफआई सदस्यों की खोज में संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी बैकफुट पर चले गए और अपने को घिरता देख उग्रवादियों ने AK-47 व भारी मात्रा में हथियार व सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। आज गुदड़ी थाना क्षेत्र के तोमसाई के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में चाईबासा जिला पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम का पीएलएफआई के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की और इस दौरान पीएलएफआई के जो नक्सली थे वो पीछे हटे, लेकिन सर्च अभियान के दौरान एक AK-47 मैगजीन, इसके अलावा जिंदा राउंड और बहुत सारा वहाँ पर मोबाइल, लगभग एक दर्जन के लगभग मोबाइल और बहुत सारे दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए। यह जो पूरा ऑपरेशन था वो आईजी ऑपरेशन झारखंड रांची सर का लगातार उसमें मार्गदर्शन मिल रहा था और टीम ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर लगातार अभियान किया है और ये एक अच्छी उपलब्धि है। मालूम हो कि चाईबासा पुलिस द्वारा कई बार उग्रवादियों और नक्सलियों से अपील की गई थी कि हिंसा का रास्ता छोड़ विकास के मुख्य धारा से जुड़े और अगर गांव के भोले भाले ग्रामीणों को परेशान करेंगे और हिंसा फैलाएंगे तो इसका कड़ा जवाब पुलिस देने में सक्षम है। तीसरी बड़ी खबर गिरिडीह से है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को झारखंड के गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। साक्षी महाराज गिरिडीह में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद कार से धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें पीरटाण के पास रोक लिया और क्वारंटीन कर दिया। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने कुछ दूर तक साक्षी महाराज के काफिले का पीछा किया। उन्होंने इस संबंध में पीरटाण थाना की पुलिस से बात की, जिसके बाद सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर साक्षी महाराज को रोका गया। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने साक्षी महाराज से कहा कि उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। इस पर साक्षी महाराज ने आपत्ति जताई और कहा कि वे सड़क मार्ग से आए हैं, ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं है। इस पर एसडीएम ने साफ कहा कि राज्य के मुख्य सचिव का आदेश है और हर हाल में उन्हें क्वारंटाइन में जाना होगा। हालांकि काफिले को रोके जाने पर सांसद साक्षी महाराज ने गिरिडीह प्रशासन पर एतराज जताया, साथ ही उन्होंने खुद को जाने देने की अपील भी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान साक्षी महाराज ने गिरिडीह उपायुक्त से फोन पर बात भी की, लेकिन कहीं से भी उन्हें रियायत नहीं मिली। फिलहाल साक्षी महाराज को गिरिडीह के शांति भवन में क्वारंटाइन कर दिया गया है। बता दें कि राज्य के गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग की ओर से COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए SOP जारी किया गया है। इसके तहत अब झारखंड में लौटने या आने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। SOP का उल्लंघन करने पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। खबरों में अब खबर गुमला से। गुमला रायडी थाना क्षेत्र के नावागढ़ पतरा टोली खोर गांव में दो सगे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि 34 वर्षीय जोसेफ बेक और 36 वर्षीय प्रकाश बेक अपने घर में गुरुवार को कुछ दोस्तों के साथ खान पान का कार्यक्रम रखे थे। इस बीच उसकी बूढ़ी माँ पुराने घर में थी। माँ को लगा कि दोनों भाई शराब पीकर सो गए हैं, इसलिए उसने दोनों को नहीं उठाया। जब अगली सुबह माँ बेटों को उठाने गई तो दोनों सोए हुए पाए गए, जिसके आसपास खून के धब्बे थे। माँ ने अपने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला अस्पताल भेज दिया।
इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस फिलहाल जुट गई है। इस हत्या से गांव के लोग सदमे में हैं। खबरों में अब खबर धनबाद से। देखे क्या देखे कि वहाँ पर बच्चे लोगों का शव पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? कहाँ पे पड़ा हुआ? घर में, अपना अपना बेड में। कौन हत्या किया, कौन किया, ये सब कुछ जानकारी नहीं? वो सब कुछ नहीं मालूम। ये अब देख रहे हैं कि लाश वहाँ पर है, पेटल खून लथपथ। उसके बाद में हम लोग उठाए टेम्पू में, अब उठा के पोस्टमार्टम करने लाए है। अभी तक तो नहीं हुई। कौन कौन लोग हैं? अब उसको तो पता नहीं। नहीं पता है? नहीं। लेकिन किसी का चिन्हित हुआ है, कोई है उसमें? अभी तक तो कुछ हो नहीं। कोलांचल में आए दिन गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं हो रही है। ताज़ा मामला धनबाद जिले के झरिया स्थित एना आउटसोर्सिंग की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। आउटसोर्सिंग में खड़े मशीनों में भी तोड़फोड़ किया गया है। सूचना मिलने के बाद SDPO अजीत कुमार सिन्हा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बम और खोखा पुलिस ने बरामद किया। एना आउटसोर्सिंग के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने बताया कि आउटसोर्सिंग परियोजना में एक अलग से रास्ता है, जहां से अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग की सूचना आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कर्मियों ने उन्हें फोन पर दी। उधर सिंदरी SDPO अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मौके से खोखा बरामद किया गया है। SDPO ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा रही है और पुलिस वैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी घटनाएं हुई है वो निंदनीय है, हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी घटना स्थल से हम लोग खोखे बरामद हुए हैं और जो भी शीशा टूटी है या थी, वो सब चीजों की जांच की जाएगी और जितने भी लोग हैं उनका पहचान करते हैं उनकी जल्द अरेस्टिंग की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।